हत्या के जुर्म में 7 महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के नवम ADG संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक 10 वर्षीय अबोध बालिका की निर्मम हत्या के जुर्म में 7 महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हयागढ़ थाना क्षेत्र के छतौना गाँव के योगेंद्र यादव ने अपने गाँव के ही गोटिया 7 महिलाओं के विरुद्ध 13 सितम्बर 2009 को हयाघाट थाना कांड संख्या 86/2009 दर्ज कराया था। प्राथमिकी में सूचक ने अंकित किया है कि मेरी बेटी राजवंती 12 दिसंबर 2009 को 12 बजे दिन में मेरे और मेरे भाई के लिए दरवाजे पर खाना पहुंचाने जा रही थी कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उसकी पुत्री राजवंती को रास्ते में घेर कर लात मुक्का एक ठोस वस्तु से मारपीट कर बेहोश कर दिया, जिसे बेहोशी अवस्था में हॉस्पिटल लाई गई। PHC हयाघाट में इलाज के बाद बच्ची को घर ले आया। अचानक सुबह में उसकी हालत बिगड़ने पर पुनः PMC ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस मुकदमा का संचालन सत्र वाद संख्या 436/10 के तहत विचारण प्रारंभ हुआ। सभी हत्या अभियुक्त महिला होने को देखते हुए अभियोजन पक्ष का संचालन का दायित्व महिला अपर लोक अभियोजक रेणु झा को सौंपा गया। अभियोजन पक्ष का सफल संचालन करते हुए APP रेणु झा ने हत्या अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष से 10 गवाहों की गवाही कराई। वहीं बचाव पक्ष ने इस मामले में 9 गवाहों की गवाही कराई, परंतु हत्या अभियुक्तों को बचाव पक्ष नहीं बचा पाया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तर्कपूर्ण बहस पश्चात अदालत ने 10 वर्षीय अबोध बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या मामले में छतौना गांव की बच्ची देवी, मुनर देवी, मलगोबिया देवी, सीता देवी, इंदु देवी, चधुरन देवी, भुकली देवी को दफा 302/149 हत्या में आजीवन सश्रम कारावास की सजा तथा 10,000 रुपए अर्थदंड चुकाने की सजा सुनाई है। वहीं दफा 147 भादवी में सभी को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। क्या कहा जाएगा, ये जो न्याय मिला है क्या न्याय है? मैडम, आपने इसका शुरू से केस लड़ा है, क्या कहेंगे, आपको किस तरह की संतुष्टि नजर आ रही है? मुझे आज बहुत संतुष्टि मिली थी 10 साल की नन्ही सी जान को। इन महिलाओं ने जो खुद माँ थी, किसी की पत्नी है, महिला को तो दया को मिलती, उसे भी तो अपनी समझ बच्ची थी, फिर भी उसे दया नहीं आई, इस बच्ची को पीटते हुए न्यायालय भी। ये बच्ची तो इन्हीं लोग के परिवार के, इन्हीं के एक ही गोटिया दिया बच्ची को। योगेंद्र यादव की बेटी थी, 10 वर्षीय थी, वो खाना लेके जा रही थी, यही लोग को रास्ता के लिए झंझट हो रहा था। जिन जिन को सजा हुआ उन लोगों का नाम क्या क्या? बुच्ची देवी, मुनर देवी, सीता देवी, मलगोबिया देवी, देवी, भुखनी देवी, चौबीरन देवी। कितने दिनों से न्यायालय में बंद थी? ये लोग बेल पर थे, जमानत पर थे। आज इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज कितना 18 तारीख को इन लोग को जजमेंट हुआ, जिसमें 302 के आरोपी भी और कस्टडी ले लिया गया। आज इन लोग को आजीवन का सजा सुना गया। कितना साल की होगा सजा? आजीवन का तो कोई सीमा नहीं, जीवन गाँव में कल्लर यादव और जोगिंदर यादव के बीच में जमीनी विवाद 3 वर्षों से चल रहा था। उसी क्रम में 11 सितंबर को जोगिंदर यादव के घर पर पथराव किया गया, शाम में शांत हुआ। पुनः 12 सितंबर को पथराव किया गया। उसी बीच में जोगिंदर की लड़की राजवंती खाना लेकर भाई के लिए जा रही थी, तो उसे घेर कर महिलाओं ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। PHC हयाघाट में इलाज हुआ, कुछ देर के लिए ठीक हुई, फिर वह बेहोश हो गई, फिर इलाज हुआ, लेकिन इलाज के क्रम में मर गई। 13 सितंबर को FIR हुआ। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि कंप्रेशन, रक्तस्राव एवं उत्पन्न आघात के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसी मामले में आज 7 महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास की सजा नवम ADJ संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दी है। अब दरभंगा कोर्ट का स्थापना 1906 में हुआ। 1906 से लेकर 2022 के बीच में किसी महिला की हत्या में केवल हत्या अभियुक्त महिला ही हो और उसको सजा मिली हो, यह पहली घटना है 116 वर्ष के सिविल कोर्ट के इतिहास में।
इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।